हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजे जी अभी बोलने ही वाले थे कि अचानक से उनकी नजर पीछे खड़े मुस्कुराते हुए वीर पर पड़ी तो दोनों ही झट से अपनी सीट से खड़े हो गए और हैरानी से विक्की और राजेश जी वीर की तरफ देखने लगे। विक्की हैरानी से राजेश जी को कहता है, अंकल जी मुझे जो दिख रहा है क्या वही आपको भी दिख रहा है या फिर ये मेरा कोई भ्रम है? राजेश जी भी कहते हैं, बेटा दिख तो मुझे भी वही रहा है जो तुझे दिख रहा है। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। विक्की ने राजू को देख कर पूछा, या राजू क्या जो हम देख रहे हैं वही तुम भी देख रहे हो? वीर अपने हाथ बांधे अब दोनों की तरफ देखने लगा। वही राजू की समझ में कुछ नहीं आया तो वह सामान रखकर अपना सिर खुजाने लगा। राजेश जी ने उससे पूछा, ये सामान किसका है? राजू उनसे कहता है, बड़े मालिक वीर बाबा का है। वीर नाम सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वीर की तरफ देखा जो दोनों हाथों को बांधे उन दोनों को ही घूर रहा था। फिर राजेश जी के पास आकर उनके पैर छूते हुए कहता है, हो गई आप दोनों की नौटंकी? राजेश जी ने उसे खुश होकर गले लगाते हुए कहा, नौटंकी नहीं बेटा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वापस यहाँ पर हो, इसलिए बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और तुमने कुछ बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो, इसलिए बस विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वीर कहता है, डैड सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है ना, और अगर अपने आने की खबर कर देता तो जो खुशी अभी आपके चेहरे पर देखने को मिली है वो कैसे देख पाता? राजेश जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही वीर विक्की के पास जाकर उसके गले मिलते हुए कहता है, और भाई कैसा है? विक्की भी उसे गले लगाते हुए कहता है, बिल्कुल बढ़िया, तू सुना तू कैसा है? वीर उससे कहता है, बस मैं भी ठीक हूँ। विक्की उसकी शक्ल देखते हुए कहता है, अच्छा यार एक बात बता, तूने कोई आने का कुछ पता ही नहीं दिया, अचानक कैसे टपक पड़ा? वीर उसकी बात को काटते हुए कहता है, डैड आते ही क्वेश्चन पूछने लगा है ये, मुझे बहुत भूख लगी है। राजेश जी हंसते हुए कहते हैं, जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम तुम्हारे लिए खाना लगवाते हैं। वीर जल्दी से बिना कुछ बोले वहां से अपने रूम में चला गया और रूम में आकर उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, बच गया, नहीं तो ये पूरा खुरेद कर निकलवा रहा था, वीर बच के रहना पड़ेगा अभी, तब तक मैं कोई ना कोई बहाना सोच ही लूंगा। वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। वहीं नीचे हॉल में राजेश जी और विक्की अभी भी शॉक्ड थे। राजेश जी विक्की से कहते हैं, बेटा ये तो सच में आ गया? विक्की कहता है, बिल्कुल अंकल जी, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। फिर थोड़ा सा सोचकर वो कहता है, अंकल जी ये वापस आया मतलब 4 दिन में ही, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? राजेश जी भी हैरानी से विक्की को देखते हुए कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तब विक्की उनसे कहता है, अंकल जी वीर 4 दिन में ही वापस आया, इसका मतलब वीर को अपने प्यार का एहसास हो गया है और वो जलन की वजह से ही यहाँ आया है, और ये बात अब मैं उसके मुंह से निकलवा कर ही रहूंगा, और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा, और जब तक ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देता तब तक इसे वापस अपने रूम में नहीं जाने दूंगा। राजेश जी भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं, बिल्कुल आज तो इससे सच निकलवा कर ही रहेंगे, चाहे कितने भी बहाने क्यों ना करे। दोनों अपनी प्लानिंग कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था और थोड़ी ही देर में वीर वहां पर आ गया और तीनों बैठकर डिनर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट में मिताली और अनन्या रूम में बैठी बातें कर रही थी। नेहा फ्लैट खाली करके जा चुकी थी क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, अब फ्लैट में बस ये दोनों ही रहती थी। तभी मिताली उससे कहती है, यार अनन्या अच्छा एक बात बता, जब से वीर सर गए हैं तब से ऑफिस में कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा है क्या? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर ज़ोर से हंस दी। मिताली उसे हंसते देखकर कहती है, पागल हो गई है क्या जो ऐसे हंस रही है? अनन्या उसी तरह हंसते हुए कहती है, तो हंसू नहीं तो क्या करूं? अब तू बातें ही ऐसे कर रही है तो मुझे हंसी तो आएगी ना? मिताली उससे मुंह फुलाकर कहती है, रहने दे मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। उसे ऐसे मुँह फुलाकर बैठे देख अनन्या उससे कहती है, अच्छा सॉरी, देख अब बॉम्ब ऑफिस से चला गया है तो खाली तो लगेगा ही ना,
और अगर वो ऑफिस में रहते बिना बात के ही बॉम्ब फोड़ते रहते थे तो थोड़ा शांति तो रहनी चाहिए ना। और वैसे भी बॉम्ब ना सही, हम भी किसी मिसाइल से कम थोड़ी ना है। अनन्या ने अपनी बात खत्म करी और फिर हंस दी। मिताली उससे मुंह बनाकर कहती है, हाँ वेरी फनी। उसे ऐसे देख अनन्या उसके गाल खींचते हुए कहती है, अच्छा बाबा मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, बात तो तू सही कह रही है, सर के जाने के बाद ऑफिस खाली सा हो गया है, लेकिन तुझे पता है मैं ना उनसे नाराज हूँ और मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी। देखना जब से गए हैं एक बार भी कॉल भी नहीं किया हमें। वैसे तो बड़ा कहते थे मैं दोस्ती अच्छे से निभाता हूँ और मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे याद करोगी, और देखो जरा खुद वहाँ जाकर भूल ही गए। अब अगर वो फ़ोन करेंगे भी ना, वैसे तो मुझे पता है कि वो फ़ोन नहीं करेंगे, अगर बाई चांस कर भी दिया ना तो भी मैं उनसे बात नहीं करूँगी। देख लेना तू मैं उनसे नाराज हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा वाला। उसकी बात सुनकर मिताली मुस्कुरा दी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों वहीं सो गई। दूसरी तरफ तीनों मिलकर डिनर कर रहे थे। डिनर खत्म करके वीर जल्दी से अपने रूम में जाने लगा, पर विक्की ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, इतनी भी जल्दी क्या है वीर, अभी थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर बातें ही कर ले। वीर उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। विक्की उसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, पहले हमारे सवालों के जवाब दे फिर जाना। वीर के एक साइड राजेश जी बैठ गए और दूसरी साइड विक्की, और पैरों से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर अपनी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा ली। वीर उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या ये सब क्या है, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ। विक्की वीर से चिढ़ते हुए कहता है, हाँ सोना है तो हमारे सवालों के जवाब दे और जाके सो जा। वीर चिढ़ते हुए कहता है, क्या पूछना चाहता है। विक्की उससे कहता है, तू तो हमेशा के लिए गया था ना, तो फिर यूं अचानक से कैसे आ गया। वीर हकलाते हुए कहता है, मैंने सोचा कि अभी कुछ प्रोजेक्ट जो हाथ में लिए हैं पहले उन्हें पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चला जाऊंगा। और वैसे भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, वही संभालने गया था, वहाँ सब कुछ क्लियर हो गया तो मैं वापस आ गया, और इसमें इतनी पूछताछ करने की क्या जरूरत है, वीर बोलकर इधर उधर देखने लगा। वहीं विक्की और राजेश जी चुपचाप उसे घूरकर देखते रहे। वीर उन्हें ऐसे देखता देख कहता है, अब तो बता दिया ना मैंने, दे दिया आपके सवालों के जवाब, अब मुझे सोने जाने दो। वीर उठने लगा, तभी विक्की ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे बिठा दिया। वीर उससे हैरानी से कहता है, अब क्या हुआ, अब क्या रह गया जानने को। दोनों एक साथ बोले, सच। वीर चौंक गया और बोला, कौन सा सच। राजेश जी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलो अब सच बताओ बेटा, हम सच जाना चाहते हैं, झूठ नहीं। वीर ने तिरछी नजर से दोनों को देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर अपने हथियार ढालते हुए कहता है, ओके फाइन, क्या जानना चाहते हैं आप दोनों। विक्की शरारती मुस्कान लाते हुए कहता है, तू वापस क्यों आया। वीर नजरें चुराते हुए कहता है, तू अच्छे से जानता है। विक्की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ पर तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। वीर ने एक नजर दोनों को देखा और बोला, डैड आई एम इन लव। मैं जब वहाँ गया तब मुझे महसूस हुआ कि विक्की सही था, वहाँ जाकर मैंने उसे बहुत मिस किया और उसकी आवाज़ सुनने को बेचैन रहता था। फिर राजेश जी के हाथ पकड़ कर कहता है, डैड मुझे नहीं पता कि कब और कैसे मैं अनन्या से प्यार करने लगा, पर यह सच है डैड, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है डैड, इस बार पहली बार मुझे इंडिया आने में खुशी मिली, डैड उसने मुझे बदल दिया है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी हंसूं, बातें करूं, खुश रहूं, और डैड मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ आपके पास, वो भी हमेशा के लिए। ऐसे बोलते हुए वीर की आंखें नम हो गई, जिसे देखकर राजेश जी और विक्की की आंखें भी नम हो गई थी। राजेश जी उसे गले लगाकर कहते हैं, आई एम वेरी हैप्पी बेटा, मुझे तो अनन्या पहले से ही बहुत पसंद है। वीर खुश होकर उनके गले लग गया और बोला, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। विक्की ने देखा तो वो भी उसके गले लग गया। राजेश जी, वीर और विक्की तीनों ही एक दूसरे के गले लगे। फिर राजेश जी वीर से कहते हैं, तो बेटा आगे क्या सोचा है तुमने। वीर उनसे कहता है, डैड मुझे तो पता चल गया कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है, पर अभी उसके बारे में नहीं पता ना। फिर विक्की की पीछे से गर्दन पकड़ कर कहता है, और तू मुझे ये बता, यहाँ मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगाकर वरुण से उसे प्रपोज करवा रहा है।
विक्की उससे बचते हुए कहता है, तो और क्या करता मैं, तू तो उससे प्यार नहीं करता, ये बोलकर गया था ना। और वरुण ने मुझसे कहा कि वो अनन्या को पसंद करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है और मेरी मदद चाहता है, तो कर दी मैंने उसकी मदद। वीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई कमी नहीं है, और तुझे मेरी ही लंका मिली थी जलाने के लिए। राजेश जी उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। विक्की उसकी बात सुनकर कहता है, वैसे एक बात मैं तुझे बता दूं वीर, तू सीधा गुलाब लेकर मत पहुंच जाना उसे प्रपोज करने। बाकी दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। राजेश जी उससे बोले, अब प्रपोज करेगा तो क्या बिना गुलाब के करेगा? विक्की हंसते हुए कहता है, अंकल जी अगर ये गुलाब लेकर जाएगा ना तो वो खुद उस गुलाब की पत्तियां खाकर इसके हाथ में गुलाब की डंडी पकड़ा देगी। वीर उससे कहता है, क्या कहना चाहता है तू? विक्की उनसे कहता है, मुझे मिताली ने बताया था एक दिन कि कॉलेज में एक लड़के ने अनन्या को प्रपोज किया, तो अनन्या ने उसके हाथ से गुलाब लेकर उसकी पत्तियां खा ली और डंडी उसके हाथ में वापस थमा दी, और उस लड़के को ऐसा डराया कि दोबारा वो लड़का तो क्या, किसी भी लड़के ने उन दोनों की तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। फिर विक्की ने उन्हें सारी बात बता दी जो मिताली ने बताई थी। उसकी बात सुनकर तीनों खिलखिलाकर हंस दिए। राजेश जी हंसते हुए कहते हैं, कमाल है ये लड़की, मतलब खाना खाने के बाद भूख कैसे लगेगी और सोने के बाद नींद नहीं आती, बहुत अच्छी बीमारी बताई उस लड़के को। राजेश जी वीर से कहते हैं, बेटा इतना आसान नहीं है उसका प्यार पाना और अपने प्यार का एहसास कराना। वीर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, जानता हूँ डैड, पर वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए, जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन तो नहीं है ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। राजेश जी उसके कंधे थपथपा कर कहता है, मुझे यकीन है कि तुम कामयाब जरूर होगे। फिर राजेश जी विक्की से कहते हैं, वैसे बेटा तुमने वीर को तो लड़की ढूंढवा दी, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? विक्की एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, क्या क्या बात कर रहे हो अंकल, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बच्चा हूँ। राजेश जी उसे घूरते हुए कहते हैं, वैसे लड़की तुम खुद पसंद करोगे या मेरी पसंद चल जाएगी? वैसे मेरी नज़र में एक लड़की है जो तुम्हारे लिए एकदम फिट है और सोच रहा हूँ कि उसकी फैमिली से बात कर लेता हूँ। वीर को उसकी हालत पर हंसी आने लगी और विक्की एकदम से बोल पड़ा, अंकल मैंने पसंद कर ली है लड़की, अपने ऑफिस में ही काम करती है। विक्की को पता भी नहीं चला कि वो क्या बोल गया। जब राजेश जी को अपनी तरफ घूरते देखा तो ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हर हरकत पर राजेश जी हंस दिए और बोले, मुझे भी मिताली पसंद है। मिताली का नाम सुनकर दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। विक्की उनसे बोला, आपको कैसे पता चला कि मिताली से मैं प्यार करता हूँ? राजेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा जिस स्कूल में तुम दोनों अभी पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल में मैंने PhD की हुई है, समझे? तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ मैं, और ऑफिस में क्या चल रहा है वो भी सब जानता हूँ, समझे? अब तुम दोनों का जब शादी करने का मन हो तब बता देना, मैं उनके पेरेंट्स से बात कर लूँगा। फिर अपने मन में बोला, और वैसे भी अनन्या तो मेरी पार्टनर भी है, और बेटा वीर अभी तो तुझे उसके कांडों के बारे में पता नहीं है, जब पता चलेगा तब तेरा रिएक्शन देखने को मिलेगा। राजेश जी अपनी ही बात पर मन ही मन मुस्कुरा दिए। दोनों ही उनसे गले मिल गए, फिर अपने अपने रूम में सोने चले गए। वीर अपने रूम में लेटा अनन्या की फोटो देखकर बस बोला, कुछ देर और फिर कल तुम मेरी आंखों के सामने होगी। ऐसे ही बात करके वीर उसके सपनों में खो गया। अगले दिन वीर ऑफिस पहुंच गया। उसे वापस आए देखकर सभी खुश हो गए और खुश होकर उसे विश करने लगे। वीर सबसे बात करके अपने कैबिन में पहुंच गया। विक्की उसके कैबिन में आया और कैबिन के एक साइड में पर्दा लगा दिया जहां से वीर अनन्या को देखा करता था। और उसे घूर कर देखा तो विक्की उससे बोल पड़ा, यार अब अनन्या का रिएक्शन देखना है कि क्या रहता है, तो अभी इसे रहने दे। उसकी बात सुनकर वीर चुपचाप अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद मिताली और अनन्या ऑफिस आई और सबको विश करके अपने कैबिन में चली गई। विक्की अभी वीर के कैबिन में ही था। मिताली नॉक करके उसके कैबिन में आई तो सामने चेयर पर बैठे वीर को देखकर हैरान हो गई। उसने विक्की को हैरानी से देखा तो विक्की मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे हैरान देखकर वीर बोला, क्या हुआ मिताली, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मिताली उससे कहती है, आप कब आए? तब विक्की ने उसे बताया कि कल ही आया, पर इस बारे में अनन्या को मत बताना। मिताली ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके नहीं बताऊंगी, और वो वहां से चली गई।
और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद अनन्या कुछ फाइल्स लेकर वीर के कैबिन में आई, जहां पर राजेश जी बैठते थे। उसे राजेश जी से साइन करवाने थे। उसने गेट नॉक किया और अंदर से कमिन सुनते ही वो बिना सामने देखे ही अंदर आई। इस समय अनन्या का पूरा ध्यान अपने हाथों में पकड़ी फाइलों पर था। उसने अपने सामने देखा ही नहीं कि कौन बैठा है। उसके लिए तो राजेश जी ही बैठे थे। वीर की नजर जब अपने सामने पड़ी तो वह अनन्या को एकटक देखने लगा। अनन्या बोले जा रही थी और वीर उसे बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। और देखे भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद जो देख रहा था। और वहीं अनन्या अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, पर जब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बोलती है, क्या हुआ बिग बॉस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला और एक नज़र अपने सामने देखकर वापस से फाइल में देखने लगी। फिर एक झटके से अपने सामने देखा तो वीर को देखकर हैरानी से उसका मुंह खुल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर सामने देखा। उसने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की, पर जब उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने अपने सर पर एक हाथ मारा और फाइलें टेबल पर रखकर अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की तरफ चल दी। उसने एक नज़र उस कैबिन को देखा, फिर दरवाजे के पास जाकर एक बार फिर अजीब सा मुंह बनाकर पीछे मुड़कर देखा। वीर को देखकर उसने अपना सिर झटका और बाहर आकर खड़ी हो गई। वही वीर उसके इस रिएक्शन से हैरान था और वो कहता है, इसे क्या हुआ, और बिना कुछ बोले ही चली गई। वही अनन्या बाहर खड़ी हो गई और खुद से ही बोली, यार आज क्या हो गया है मेरी आंखों को, ये बॉम्ब यहाँ क्यों दिख रहे हैं मुझे? ये मिताली भी ना पता नहीं कल कितना याद करवा दिया मुझे, जो ये मुझे बिग बॉस की जगह दिख रहे हैं। उसने एक नज़र बाहर लगी नेम प्लेट पर डाली, फिर बोली, यार कैबिन भी वही है जिसमें मैं रोज आती हूँ। फिर अपने हाथ पर सांस छोड़ते हुए कहती है, यार मैंने तो पी भी नहीं रखी है तो मुझे वीर सर क्यों दिख रहे हैं, और पागल भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी जो मुझे एक के चार दिखाई दे। अगर पागल होती तो समझ भी आता, लेकिन फिर भी एक के चार दिखते ना, लेकिन यहाँ तो फादर की जगह बेटे दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर कुछ सोचकर वो कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस ने पी हुई हो और मुझे उनकी जगह उनके बेटे दिखाई दे रहे हो? यार ये तो बड़ा झोल है, जो भी है तुझे अंदर जाकर ही पता लगेगा, यहाँ खड़े होने से तो कुछ नहीं पता चलेगा। वही जब वीर ने अनन्या का काफी देर तक वेट किया और जब वो नहीं आई तो वो खुद उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई अनन्या से टकरा गया। अनन्या नीचे गिरती उससे पहले ही वीर ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसका एक हाथ अनन्या की कमर पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। अनन्या ने गिरने के डर से अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और वीर उसकी तरफ ही देख रहा था। अनन्या ने जब महसूस किया कि वो गिरी नहीं तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक बार नीचे देखा, तब उसे कन्फर्म हो गया। तो उसने अपने सामने देखा तो वीर को देखकर एकदम से बोली, ओ माय गॉड, आप सच में हो? इसका मतलब ये सच है, मैंने पी नहीं रखी है। वो जल्दी से वीर के गले लग गई। वीर एकदम से चौंक गया। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या को भी वीर के लिए अपने प्यार का एहसास होगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।